नमस्ते, दौर से नरेंद्र अली प्लीज आप आइए मैम के साथ। टीना जी, नरेंद्र सर कभी भी मंच पर नहीं आते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आप बीच में आए सर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम टीना जी नरेंद्र जी को मैं इनवाइट कर रही हूँ बिकॉज आई नो ही सो शाय, वो एक पिक्चर भी नहीं निकालते हैं। हाँ, मे बी ऑफ द रेडार बट इन द शो। सो नरेंद्र जी थैंक यू, आपका हो गया। नाउ टीना विल बी इन द सेंटर बिकॉज शी इज आवर चीफ गेस्ट। सो टीना, वी आर एक्सट्रीमली ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस एंड आज करनाल में जो रौनक है, आप सारे चेहरों पर मुस्कुरा देख रहे हैं। फॉर अ चेंज, दो साल के बाद विदाउट MASKS हैं हम, तो शुक्रिया, आपकी मुस्कुराहटें दिख रही है, वो सब आपकी वजह से और नरेंद्र जी की वजह से है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, थैंक यू। अब यही रहो, चलो मैं चाहूंगा कि सिमरन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, और क्योंकि सिमरन के बारे में तो जितना कहूं उतना कम है। और अब हमारे बीच में क्योंकि मंच पर बुलाया है सिमरन ने, मैंने तो सोचा शायद आप इंटरव्यू लेने वाले हो, नहीं मैंने तो सोचा आप इंटरव्यू लेने वाले हो कहीं टीना का, तो आपने तो मैंने दिल से अपनी बात की। अब इंटरव्यू प्लान नहीं था, वैसे भी हम कुछ प्लान नहीं करते हैं बट नरेंद्र जी के कार्यक्रम में ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले तो टीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है, आपने सब कुछ सुना अबाउट नरेंद्र जी, बॉलीवुड के बारे में पूछेंगे एंड द एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये सारे आपके फैंस हैं, तालियां नहीं बजा सकते, उनके हाथों में फोन्स हैं, बट चीयर कर सकते हैं, स्क्रीम कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, कैसा लग रहा है आपका प्लीज में। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जैसे उन्होंने बताया, मैं कभी करनाल आई नहीं एंड दिस इज माय फर्स्ट एवर विजिट टू करनाल। And this event will be very special to me. Thank you, Narendra ji. Thank you, Bhagya ji. Because main pehli baar Karnal aayi hoon for your function, and I must say there is something so sweet and so lovely about this city. I'm really thankful and so happy to be here. And you really fall in love with this place. I'm sure, yeah. That is what they do to everyone. So thank you so much. And of course, now to sabhi jana chahte hain. When was the first time you realized that you really want to become an actress? Not because dad is a very superstar, it's a very renowned star, but because you feel that, no, I really want to try and definitely get into the same space. Kab laga pehli baar? To be very honest, it just happened to me. Koi